क्या आप लोगों को भी बाल झड़का या ये जो गंजपन है इसका मसला शुरू हो चुका है तो मेरी ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। क्या आप लोग बिलीव करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने एक चीज़ यूज़ करने इसका इलाज हो जाएगा? क्या आप लोगों ने ऐसा एक्सपेक्ट किया है कि सिर्फ एक चीज़ के इस्तेमाल से ये वाला इशू हल हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ज़िमल्स किचन। मैं हूँ ज़िमल। बालों के लिए मेथी दाना के बेशुमार फ़वाद हैं। ये बालों का जो है ना वो बालों को झड़ने से रोकती है, गंजपन ख़त्म करती है और फ्री का कैरेटिन ट्रीटमेंट है। ये घर पर इजीली आपके बालों को सिल्की स्ट्रेट कर देगी। ये आप लोगों ने 2 चम्मच के करीब भरकर यहाँ पर मेथी दाना लेकर इसके अंदर जो है वो पानी डाल के इसको पूरी रात भिगो कर रखना है। ये आपने लाजमी काम करना है कि इसे पूरी रात आप लोग भिगो कर रखें। बस जी, अब हम लोगों ने ये इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। अब जो है इसको मैं पूरी रात के लिए स्टे करने के लिए रख दूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से सोख हो सके। फिर अगला स्टेप बताती हूँ। पूरी रात सोख किया हुआ मेथी दाना आप लोगों ने जो है वो अब ऐड कर देना है एक सॉस पैन में। देखें कितना सॉफ्ट सॉफ्ट टाइप हो चुका है ये। अब इसको हम लोग जो है ना वो एक सॉस पैन के अंदर ऐड कर देंगे। इसके अंदर मज़ीद हम लोगों ने 1 कप के करीब पानी जो है ना वो ऐड करना है क्योंकि अभी हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से बॉयल करवाना है। देखें जी, यहाँ पर ये पकना स्टार्ट हो चुका है। इसे हम लोगों ने करना है अच्छे तरीके से बॉयल। फिर ना ये एक जेल टाइप बन जाएगी, यानी ना एक काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो स्टिकी सा ये एक तैयार हो जाएगा लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हमने इस तरह से बॉयल दिलवाना है। देखा आप लोगों ने कितनी छोटी सी मेरी टिप है, ये देखें कितने अच्छे तरीके से जो है इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा। एक ही बॉयल दिलवाना हमने इस पर। देखे जी, सारे जो है ना मेथी दाने के एक्सट्रैक्ट इसके अंदर आ गए हैं। अब मैं बताती हूँ हमने करना क्या है। ये जो है ना आप लोगों ने छानी लेकर सारा का सारा इसको छान लेना है। इसके बाद मैं आपको बताऊँगी आप लोगों ने जो है ना ये मेथी दाने का क्या करना है, वो सारा आप लोगों को जो है ना वो मैं एक्सप्लेन करूँगी। आपने बस वीडियो फुल वॉच करनी है। ठीक है, करना आपने क्या है, करना ये है कि पहले तो पानी को ठंडा करना है। ये पानी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि आप लोग एक ही जो है वो चीज़ के इस्तेमाल से गंजपन का इलाज निकाल सकते हैं, कैरेटिन ट्रीटमेंट कर सकते हैं घर पर, क्योंकि पार्लर से कैरेटिन ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा महंगी होते हैं और बड़ा डैमेज करते हैं बालों को। जहाँ तक बात रही इस मेथी दाने की, इसका बनाए पेस्ट इसको आप इस तरह भी सर पर लगा सकते हैं या सबसे बेस्ट तरीका है मेहंदी के अंदर डालकर लगा लें। इससे आपके वाइट हेयर भी जो है ना वो ब्लैक हो जाएंगे, यानी कि उन पर नेचुरल एक कलर आ जाएगा। ज़रूरी नहीं कि ब्लैक है, वही बड़े लोगों का ना मेरी मेहंदी वाली बात से ऑब्जेक्शन होता है। ठीक है, नेचुरल कलर के लिए भी यूज़ किया जाता है और आपको बड़ा फ़ायदा होगा। अब आपने इस तरह से जो है ना वो ये शावर वाली बॉटल लेकर इसके अंदर पानी ऐड कर लेना है और फिर आपने जो है ना बालों के सिर्फ स्काल्प पर लगाना है। याद रखिएगा, मसाज नहीं करना, सिर्फ स्काल्प पर लगाना है। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक लाजम शेयर कीजिए, कमेंट्स करना आप भूलेगा। मुझे जाना है फिर तक के लिए। अपना फैमिली का ख्याल रखें, मेरी फैमिली को दुआ में लाजमी याद रखें। ये टिप लाजमी ट्राई करें, अब तो सिर्फ एक ही चीज़ है भाई। अल्लाह हाफिज़।